वी शुड कीप आवर सेविंग विथ बैंक बिकॉज हमें अपनी बचत बैंकों के पास रखनी चाहिए क्योंकि। अब इसमें आपको चार ऑप्शन दिए हुए हैं। अगर आप पैसे घर में रखते हैं तो आपको ना इंटरेस्ट मिलेगा, चोरी होने का डर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, पैसे को बैंक में रखना चाहिए। इसलिए आपका डी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन आपका है, बैंक डज नॉट गिवन लोन अगेंस्ट, बैंक ऋण नहीं देता है, किसको नहीं देता है। इसमें आपका जो सही आंसर आपका है लॉटरी टिकट वालों को, ठीक है, यानी कि सी नंबर सही है आपका है। आपका अगला क्वेश्चन है, बैंक हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांच इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक शाखा वाला बैंक, ठीक है, यानी जिसकी शाखा सबसे ज़्यादा है उस बैंक का नाम बताना है। तो इसमें चार ऑप्शन दिया है, चार बैंक के नाम दिए गए हैं। इसमें सही ऑप्शन आपका है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इस बैंक का सबसे ज़्यादा शाखा है भारत में। अगला क्वेश्चन आपका है, 100 रुपीज़ नोट इज सिग्नेचर बाय, यानी कि 100 रुपये के नोट में हस्ताक्षर होते हैं, किनके होते हैं। चार ऑप्शन दिए इसमें, इसमें आपके RBI गवर्नर, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ATM पासवर्ड शुड बी केप्ट इन, ATM का पासवर्ड रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए। चार ऑप्शन दिया गया है, ATM पासवर्ड हमेशा अपने दिमाग में रखना चाहिए, यानी कि मेमोरी में, ठीक, यानी कि सी ऑप्शन सही है। ATM पासवर्ड टू शेयर बाई विथ ATM पासवर्ड केवल साथ ही साझा करना होगा, किसके साथ करना होगा, किसी के साथ नहीं करना चाहिए। आपका डी ऑप्शन सही है, ठीक है। नॉमिनेशन कैन बी डन इन, नॉमिनेशन किया जा सकता है, जब भी खाता खोलते हैं तो एक नॉमिनेशन फॉर्म आपको मिलता होगा, ठीक है। तो आप किसी भी प्रकार के ना खाता खोले, चाहे सेविंग खाता खोल रहे हो, डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हो, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खोल रहे हो, तो नॉमिनेशन रखना ज़रूरी होता है। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी जिसका खाता, जिसके नाम से आप खाता खोल रहे हो, ठीक है, आपने खाता खोल लिया, 20,000 रुपया जमा कर दिया, बाय द वे आपको कुछ हो गया, तो अगर नॉमिनेशन आप फॉर्म भरा के रखे हैं मम्मी पापा को, तो जो आपका पैसा 20,000 रुपया डूबेगा नहीं, बैंक को नहीं ले जाएगा, वो आपको मम्मी पापा को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें नॉमिनेशन फॉर्म भरा जाता है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही है। हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ RBI, वर्तमान समय में RBI के गवर्नर कौन हैं। तो इसमें चार ऑप्शन दिया गया है, श्री शक्तिकांता दास, सी ऑप्शन सही है। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट टू ओपन SB अकाउंट इन द बैंक, SB का यहाँ फुल फॉर्म होगा सेविंग बैंक, ठीक है, या सेविंग अकाउंट कह सकते हैं। खाते दो प्रकार के होते हैं, एक आपका होता है करंट, एक आपका है सेविंग, ठीक है, यानी चालू खाता और बचत खाता। तो बचत खाता पूछा है क्वेश्चन इसमें कि बचत खाता खोलने में की मिनिमम एज कितने होने चाहिए। आपका इसमें सही आंसर आपका बी ऑप्शन, 10 ईयर। अगला क्वेश्चन इसमें आपका है, बैंक डज नॉट प्रोवाइड लोन फॉर, बैंक ऋण प्रदान नहीं करता किसे। इसमें आपका जो है बैंक लोन नहीं देता है ड्रिंकिंग एंड ग्रामिंग, यानी कि डी ऑप्शन सही है आपका। KYC का क्या मतलब है, KYC का अगर फुल फॉर्म आपको याद है तो ये आपका आंसर है। KYC का फुल फॉर्म आपका नो योर कस्टमर, यानी कि ए ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है, आपने KYC कई बार भरा होगा, इसका मेन रीज़न ये होता है कि बैंक अपने कस्टमर को बार बार अपडेट करता रहता है कि हमारे जो बैंक में खाता खोले हुए हैं लोग वो हैं या नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि हर साल किसी न किसी को दुर्घटना में या अपने तरह से मौतें हो जाती हैं, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, बार बार उसको KYC करता रहता है, अपडेट लेता रहता है कि हमारे कस्टमर हैं या नहीं हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, लोन फ्रॉम मनी लेंडर आर, साहूकार से ऋण लिया जाता है, साहूकार से ऋण, आपका इसमें जो ऑप्शन सही होगा आपका डी, ठीक। का मतलब क्या होगा, यहाँ ATM का फुल फॉर्म बताना आपको, इसका सही आंसर आपका सी होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। टाइमली रीपेमेंट ऑफ लोन रिजल्ट, अगर आपने लोन लिया था और उसको आप समय के अनुसार पेमेंट करते चले गए हैं, आपने लेट नहीं किया है, तो क्या होगा, आपको इसे चार ऑप्शन दिया गया है, आपको दोबारा से भी लोन मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं रहेगा, आपका गुड रिपुटेशन बना रहेगा, इसका मतलब डी ऑप्शन सही है।
डिफॉल्टर ऑफ लोन मीन्स ऋण का चुकर्ता का अर्थ क्या होता है? दिया गया हो लोन, इसका मतलब क्या होगा कि इसमें आपका नॉट पेइंग लोन इंस्टॉलमेंट आपका सही होगा, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपका जो है, लाइफ इंश्योरेंस मीन्स जीवन बीमा का क्या मतलब है? सही है, यानी कि ह्यूमन ऑफ इंश्योरेंस ऑफ ह्यूमन, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस रिलेटेड टू इंश्योरेंस अगेंस्ट, सामान्य बीमा का संबंध किससे है? इसमें आपका लगभग सभी से सामान्य बीमा काम करता है, डी ऑप्शन सही है। आधार क्या है? आधार एक प्रकार का आइडेंटिटी प्रूफ भी है और बारह नंबर का कार्ड भी होता है, इसीलिए आपका सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन आपका जो है, ई और यस का फुल फॉर्म क्या है? ई और यस का फुल फॉर्म या उसका मतलब बताना है, तो इसमें आपका सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन आपका, व्हिच इज द प्रोहिबिटेड फॉर राइटिंग ऑन करेंसी नोट्स? करेंसी नोट पर क्या लिखना वर्जित है? तो इसमें आपके किसी प्रकार का कोई मैसेज आप नहीं लिख सकते हैं, आपका डी ऑप्शन सही है। पीपीएफ का क्या मतलब है? पीपीएफ का अगर फुल फॉर्म आपको पता है तो इसका ही सही आंसर है, आपका सी ऑप्शन सही है, इसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड। हाईएस्ट डोमेस्टिक ऑफ करेंसी नोट इशू बाई आरबीआई इज, आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोट का उच्चतम मूल्य क्या है? तो वर्तमान समय सबसे हाईएस्ट जो आपका नोट है वो 2000 का, बट इसमें क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, इसलिए इसमें सी ऑप्शन सही है, 1000 अभी तक जारी हुआ, ठीक है। एनआरआई का मतलब क्या है? इसका सही आंसर आपका है नॉन रेसिडेंट इंडियन। पेन का मतलब क्या है? यानी कि जो आपका पैन कार्ड होता है एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, ठीक है। आपका हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय स्टेट बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? इसका सही आंसर आपका है रजनीश कुमार, ये ऑप्शन सही है। बैंक प्रोवाइड लोन फॉर, बैंक ऋण प्रदान करता है, इसका सही आंसर आपका है ऑल, सब पे मिल जाता है लोन आपको, डी ऑप्शन। व्हिच करेंसी नोट हैज सिक्योरिटी थ्रेड, किस करेंसी नोट में सुरक्षा धागा होता है? तो इसमें आपके सभी नोटों में आपके सुरक्षा धागे होते हैं, ऑल द अबव। पैसा रखने का उचित स्थान क्या है? आपके चार ऑप्शन दिए गए हैं, गड्ढे में, बॉक्स में लोहे के, बैंक में या मनी लेंडर, इसमें सही आंसर आपका सी होगा। शुड बी केप्ट इन बैंक लॉकर, सोने और चांदी के आभूषणों को बैंक लॉकर में रखना चाहिए, इसका सही आंसर आपका होगा सी। करेंसी नोट आर इश्यू बाई, करेंसी नोट कौन जारी करता है? इसका सही आंसर होगा आरबीआई। कॉइन आर इश्यू बाई, सिक्के कौन जारी करता है? इसका सही आंसर होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बैंक पासबुक इज, बैंक पासबुक क्या होते हैं? तो बैंक जो पासबुक लगभग सही है सब, इसमें डी ऑप्शन सही है। बैंक पे इंटरेस्ट ऑन, बैंक ब्याज देते हैं किस पर जब पैसा आप जमा, ए ऑप्शन। बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन, बैंक ब्याज वसूलता है कब? जब आप लोन लेते हैं, बी ऑप्शन। एजुकेशन लोन क्या होता है? एजुकेशन लोन आप ट्यूशन के लिए जो तीन आप चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपका डी ऑप्शन सही है, जो भी लिखा है सब सही लिखा हुआ है, सबके लिए होता है। व्यवसाय सम्मानदाता का क्या मतलब है? इसका सही आंसर आपका है एन एजेंट हु प्रोवाइड बैंकिंग सर्विसेज, ए ऑप्शन। इंटरनेट बैंकिंग का तात्पर्य क्या है? इसका सही आंसर आपका होगा ए, इसके जरिए आप अपना खाता साथ में आप एक साल 6 महीने 1 महीने का पूरा आप अकाउंट चला सकते हैं, देख सकते हैं कहां से पैसा आया गया हुआ है, ठीक है। नॉमिनेशन वंस डन कैन, एक बार नामांकन कर सकता है, जो आपका नॉमिनेशन होता है, जो आपके खाता धारक जब आप खाता खोलते हैं जो नॉमिनेशन होते हैं वो क्या कर सकते हैं आपके लिए? तो एक वो आपका जो है, इसका सही आंसर आपका वी ऑप्शन है, बी कैंसल्ड,
वो कैंसिल कर सकते हैं कोई आप एक काम, ठीक है, उनका पावर होता है। हु कैन ओपन बैंक अकाउंट, बैंक खाता कौन खोल सकता है? लगभग सभी।